हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? गेट का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे पास में आएगा, तो अपनी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा तेज करते रहिए, ठीक है? पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी बल्क मॉडुलस की और कंप्रेसिबिलिटी की, क्या बात की थी हमने? कि जो बल्क मॉडुलस है दैट विल बी इक्वल टू dP/dV/V, बट इन दिस केस दैट विल बी इन द नेगेटिव साइन, बिकॉज व्हेन द प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू dP/dρ/ρ, और ऐसे भी लिख सकते हो ρdP/dρ। आज हम बात करेंगे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस फॉर आइडल गैस, मतलब बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल की प्रोसेस के केस में फॉर द आइडल गैस क्या होगा। तो देखिए, आइडल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पी इज इक्वल टू ρRT, यही होता है आइडल गैस का इक्वेशन। अरे, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है ना, बी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, और वी का उल्टा क्या होता है? रो। वी इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा dP इज इक्वल टू dρRT। ऐसा क्यों लिखा? R तो कांस्टेंट है, ये है आइडल गैस के लिए। T क्या होगा? T भी कांस्टेंट है क्योंकि प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है। तो dP/dρ की वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू होगी RT के बराबर। अब dP/dρ की वैल्यू इक्वेशन नंबर, लेट से दिस इज टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो dP/dρ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 पे आप पुट करिए, तो ये आएगा रो dP/dρ इज इक्वल टू RT। और रो RT किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है। सो K इज इक्वल टू P। आइडल गैस के केस में जब प्रोसेस आइसोथर्मल होती है तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। थैंक यू।